अकेले जा रहा हूँ तो मैं 2-3 करोड़ रुपये बहुत अच्छे हैं और थोड़े अलग से हैं। मतलब भी हम आए थे द ग्रेट अर्बन ढाबा में। अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं मॉल रोड की तरफ। एक्साइटमेंट देखो भाई, चेहरे पे एक्साइटमेंट देखो भैया, क्या क्या आने और होने वाला है। तो यही है इस सफर की शुरुआत। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और मैंने सारा सामान यहाँ पीछे अपना इकट्ठा कर लिया जो जो मेरे को ले जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि मैं इस ट्रिप पे क्या क्या ले जा रहा हूँ। तो देखो, तो ये सारा सामान है जो मैं ले जाने वाला हूँ। सबसे पहले वो लैपटॉप, वो उस बैग में ये सारे अपने चार्जर्स, पावर बैंक, फ़ोन के चार्जर, कैमरे के दोनों और सब कुछ, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब जाएगा उस बैग में। थोड़े अपने गर्म कपड़े जो कि शिमला में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मफलर, ग्लव्स और तोहफा। ओ भाई, तोहफा भाग रहा है। तो ये सारा भी जाएगा इसी बैग में। ये अपने सारे कैमरे के इक्विपमेंट्स, कैमरा लेंस, ट्राइपॉड्स, बाकी ये अपना रहेगा अलग से। और ये सारा कुछ ज़रूरी सामान तो हम निकलेंगे 4 बजे सुबह। तो ठंडा होगा तो कल ये पहनेंगे। तो ये सारा सामान तो आपने देख लिया जो मैं ले जाने वाला हूँ। बाकी जो कपड़े वपड़े वो मैं जिम से आके रखूँगा। जो मेन सामान रखना था वो मैंने अभी रखा है ताकि एंड मोमेंट पे भूल ना जाऊँ, क्योंकि ये सारा सामान बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब जो कपड़े वपड़े वो सब मैं जिम से आकर देखूँगा। मिलते हैं आपसे शाम को, ठीक है। हाँ जी भैया, तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 8 और सारा लगेज वगैरह अपना रेडी हो चुका है। दिखाता हूँ आपको क्या। तो ये पूरा लगेज है जो हम कैरी करने वाले हैं, वो अपना मेन लगेज है। उसमें सारे कपड़े वपड़े जितने भी हैं, एक्स्ट्रा सामान सब उसी में। ये अपना सारे इक्विपमेंट्स वाला बैग, कैमरे, इक्विपमेंट्स, चार्जर, वॉलेट, छोटी मोटी चीज़ें सब इसमें है। और ये जो डब्बा देख रहे हो, इस खास स्पेशल सा सिक्योरिटी वाला, इसमें है 2-3 करोड़ रुपये, क्योंकि भैया कैश की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसमें है 2-3 करोड़ रुपये। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, 2-3 करोड़ रुपये कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल है। स्पेशल मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ बढ़िया है। तो ये आपको फ्यूचर में आने वाले किसी एक बढ़िया से अलग डेडिकेटेड वीडियो में पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। बाकी लगेज वगैरह अपना तैयार है। अब भैया चलते हैं सुबह की तैयारी करने, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है और 8-9 तो बज ही रहे हैं। नीचे डिनर करने जा रहा हूँ, उसके बाद अपना ऊपर आकर सीधा सो जाऊँगा। सुबह सुबह उठेंगे, निकल जाएंगे और भैया उसके बाद तो बस ऐश है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे कल, और अभी गुड नाइट, ठीक है, बाय। तो सफ़र शुरू होने से पहले आप लोग एक दफ़ा इन चारों को भी जान लीजिए, क्योंकि सारे रास्ते आपको इन्हीं को झेलना है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं इनसे जो यहाँ अपने बाल गुजला रहे हैं। ये है अपने आयुष भाई, और इन्हें पराठे खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ड्राइव बहुत बढ़िया करते हैं, पूरे सफ़र में इन्होंने ड्राइव करा है और बहुत एक्टिव होकर ड्राइव करते हैं। बट जब ये बेड पे लेटते हैं तो इनकी हालत कुछ इस प्रकार होती है, आधे से ज़्यादा बेड घेरा जाता है। और इनकी एक खास बात यह है कि ये बार्गेन बहुत तगड़ा करते हैं। अगर चीज़ 20 की है तो ये 30 की 4 लेंगे। दूसरी बार भी वापस करने कह रहे हैं 30 के 4 लोगों। तो आयुष जी हम सबके बड़े भैया जैसे हैं। तो अब अपने सफ़र के अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप छोले भटूरे पहलते हुए इंसान देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, अपने हर्ष भाई हैं। गौर से देखिए इस इंसान को, ये खाता बहुत है और इनकी शक्ल देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये इतना खाते हैं। इनकी स्माइल देखोगे तो अच्छे अच्छे को फेल कर देते हैं। और इन्हें फ़ोटो खिंचवाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बात अलग है कि इनकी फ़ोटो कोई भी इतनी अच्छी नहीं आती। इन्हें बाल बड़े रखने का शौक है, घोड़े की पूंछ और सर के बाल एक जैसे ही लगते हैं, और इनकी हरकतें कुछ ऐसी विचित्र हैं, बाकी आपको आगे सफ़र में पता लग ही जाएंगी। बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे कैरेक्टर की तरफ। ये आप जिन्हें देख रहे हैं, ये और कोई नहीं, अपने दिविन ही हैं। ये फ़ोन इतना चलाते हैं और पता नहीं फ़ोन में से क्या देखते हैं कि फ़ोन देखते ही इनकी टेंशन बढ़ जाती है। शीशे में देखते हैं तो ये अपने आप को रजनीकांत समझने लगते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, और अगर कमरे में मस्ती करने की बारी आए तो ये इतना हंसाते हैं कि भैया ये रात भर सोने नहीं देते। ये और हर्ष तो भैया पता नहीं क्या ही भूत चढ़ जाता है इनको, ये दोनों सोने नहीं देते रात को।
घोड़े पे चढ़ते वक्त मेरे घोड़े से ज़्यादा डर इन्हें लग रहा था, और यहाँ चढ़ते हुए इन्होंने एक ऐसी बात बोली कि जब आप सफ़र में ये सुनेंगे हंस हंस के गिर जाएंगे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी कैरेक्टर की तरफ, उन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। अब अपने बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कैसा हूँ। इनफैक्ट आप ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कुछ अगर बताना हो मेरे बारे में। बाकी अब अपना आगे के सफ़र की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर सामने सनराइज़ देखने के लिए, और यहाँ के नज़ारे इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हम रजिस्ट नहीं कर पा रहे कि यहाँ से जाएं। तो यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू रखेंगे, और सोलन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है तो वहाँ पहुँच के थोड़ा चाय वगैरह पी लेंगे। तो यहाँ हम सोलन पहुँच चुके हैं, और यहाँ लिया है अपना छोटा सा एक चाय ब्रेक, और यहाँ चल रहे हैं मस्त ऊपर बैकग्राउंड में भजन, सुबह सुबह का टाइम है, चाय पी रहे हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स लिए हैं, तो मज़ा आ रहा है भाई, मतलब फील आ रहा है थोड़ा धीरे धीरे। चलो भाई पहली चाय। तो सुबह सुबह की चाय पीकर हम निकल गए अभी सोलन सिटी से बाहर, और पकड़ लिया है शिमला वाला मेन हाईवे। और यहाँ के पहाड़ देखो, मतलब लाइक बहुत अच्छे हैं और थोड़े अलग से हैं, मतलब थोड़ी अलग चीज़ देखने को मिल रही है, और रोड्स का तो क्या ही कहना। भैया जी शिमला में अपनी एंट्री हो चुकी है, और सबसे पहले हम रुके हैं यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? ये क्या होता है भाई, बोलना कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा। तो फिलहाल अभी भाई ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं, बीच में रुक के भी चाय वाय पी थी, पर अभी भैया भूख लग गई है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, चलते अंदर। चलो भटूरा खा लो गाइस। हाँ भाई आपको बढ़िया करने कैसा है? अब हम भी ट्राई करेंगे। चलते हैं आगे, नाश्ता पानी यहाँ अपना काम सब खत्म। ठंड लग रही थी भैया, फ्रेश हुआ, खाली हुआ पेट, पीछे ठंड लग रही पानी बहुत ठंडा है भाई, बहुत ही ज़्यादा, और गंद देखो यहाँ की गाइस। तो भैया जी ब्रेकफास्ट डन, और अब बढ़ते हैं आगे, और अभी हम आए थे द ग्रेट अर्बन ढाबा में, और भाई हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा था। बाकी अब बढ़ते हैं आगे, धूप बढ़िया लग रही है, मस्त। चलो 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 गाइस। तो जहाँ पे जिस जगह हमने ब्रेकफास्ट करा था वो शिमला एंटर करते ही पड़ जाती है, मतलब शिमला के बॉर्डर पे ही है बिल्कुल। और अभी हम पहुँच गए मॉल रोड पे, बस यहाँ पार्किंग ढूंढ रहे हैं थोड़ा, तो जैसे ही पार्किंग मिलती है फिर थोड़े दर्शन करके आते हैं ज़रा मॉल रोड के। तो ये सामने है शिमला की कमर्शियल पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी है, और पीछे है शिमला का शहर। तो भैया जी बहुत प्रयास के बाद हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, और अभी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं मॉल रोड की तरफ। धूप कहाँ गई ये रही, चलते हैं अभी मॉल रोड की तरफ और उसके बाद आराम करेंगे। देखो पीछे पूरा शिमला। तो फाइनली पहुंच गए हैं शिमला की मॉल रोड पे, और अभी सोच रहे हैं कि कुछ खाएं ना खाएं, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करा है तो पेट सबका भरा ही है, तो होटल ही पैक करके ले जा लेंगे। ये शिमला का टाउन हॉल है, मतलब टाउन हॉल का बैक साइड है ये, और ये मेन रिज के पास ही है, मतलब बढ़िया लग रहा है, थोड़ा अलग है। तो ये है सामने अपना रिज, यहाँ पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, यहाँ संडे को आएंगे जिस दिन हम अपना पूरा मॉल रोड घूमेंगे। यहाँ के घर देखो भाई हैं थोड़े अलग टाइप के, और ये सामने हमारे हर्ष भाई बीच में आते हुए, एक्साइटमेंट देखो भाई चेहरे पे, एक्साइटमेंट देखो भैया, बढ़िया है। तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग वापस अपने होटल के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान खरीदने आए थे, बाकी मेन हमने
मॉल रोड के लिए संडे को चुना है, इसलिए संडे को आएंगे और आराम से पूरा मॉल रोड घूमेंगे, आराम से रेज वगैरह हर जगह जाएंगे। तो ये यहाँ पे फलों का ज्ञान लेते हुए, ये सिर्फ ज्ञान ही लेंगे, फल नहीं खरीदेंगे, ये टेस्ट करेंगे बस, ये खरीदने वालों में से नहीं है। सामने ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है कैफ़े शिमला टाइम्स, और ये शिमला का वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े और स्काई बार है। तो यहाँ पे हम संडे की इवनिंग को ही आएंगे, अभी नहीं जाएंगे। जी मॉल रोड वगैरह घूम लिए, आप चलते हैं अपने रूम पे। ज़रा थकान हो रही है काफ़ी, क्योंकि पार्किंग यहाँ थी मॉल रोड बहुत ऊपर जाके। बाकी इधर से भाई व्यू देखो, दिख रहा है आपको, दिखाते हैं जूम करके ज़रा। ये देखो ये हो गया, दिख रहा है बढ़िया। बाकी थोड़ा ज़रा आपको वहाँ चल के दिखाते हैं कुछ नज़ारे, सीन्स चेक करिए। सेटिंग हो रही है तो भाई, hey guys, सेटिंग चल रही है, गाड़ी का सामान वामान थोड़ा ठीक कर रहे हैं। बाकी ये नाबालिग बच्चे खींच लिया कौन से, देखिए इस इंसान को स्ट्रगल चल रहा है, तो आगे हाथ भी दिस स्ट्रगल इज रियल। तो अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं होटल के लिए, और आज मॉल रोड हमने सिर्फ थोड़ा सा ही घूमा, क्योंकि हमने डिसाइड करा कि हम संडे को पूरा मॉल रोड घूमेंगे। तो आज तो हमने एक छोटा सा पैच ही कवर करा था, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा यार जाम लगा हुआ है। तो जो हमारा होटल है वो शिमला में नहीं है, वो शिमला से थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा सा नहीं 15-20 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है नालधेरा, जहाँ पर इंडिया का पहला गोल्फ कोर्स है वहाँ पर है। तो हाँ जी, ऐसे बीच में आने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर एक छोटी सी बात आपसे करनी थी। तो हुआ क्या था, जब हम शिमला जा रहे थे तो हर्ष और आयुष ने हमसे बोला था कि मेरे और देवेंद्र के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। अब छोटा बड़ा तो ये नहीं, बस उन्होंने ये कहा था कि हाँ भाई सरप्राइज़ है। अब हमें लगा कि भाई हाँ होगा कुछ, ठीक है। तो सरप्राइज़ ये था कि भाई हमें लगा जो हमारा रूम है वो एक नॉर्मल होगा, जैसे हम ऋषिकेश जाते हैं वहाँ भी हमने नॉर्मल रूम बुक करवाया था, तो एक अच्छा एक डिसेंट रूम होता है, हम लोग वो बुक कराते हैं। बट इस बार इन्होंने, भाई ने करा रखा था 3 दिन हमारा एक 5-स्टार होटल में। तो ये था हमारा सरप्राइज़, और भाई वहाँ जाके तो ऐसा लगा कि बस क्या ही बताऊँ, मतलब भाई दिल इतना खुश हो गया था उस टाइम कि मन ही नहीं कर रहा कि मैं कैमरा उठाऊँ या रिकॉर्ड करूँ, बस मन था कि भाई बस फील करूँ इस चीज़ को। तो बस यही आपको बताना था, बाकी ऑल थैंक्स टू आयुष भाई। अब बैक टू दी सफ़र। तो फाइनली हम अपने होटल पहुँच चुके हैं, और ये है वो जगह जहाँ पे हम आगे के अपने 3 दिन बिताने वाले हैं सफ़र के। और यहाँ के सीन्स देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि आगे क्या क्या आने और होने वाला है। तो फिलहाल अभी तो यहाँ कॉफ़ी चल रही है और सामने बढ़िया और मस्त नज़ारों का मज़ा लिया जा रहा है। तो अब मैं भी अपनी कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, कहीं ठंडी ना हो जाए। तो इसी के साथ करते हैं एपिसोड 1 का पार्ट 1 यहाँ पे क्लोज, पार्ट 2 में चालू रखेंगे अपनी ये मस्ती और अपना ये सफ़र, दिखाएंगे आपको कुछ अलग और साथ ही साथ देंगे एक प्यारा सा अपना रूम टूर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर डे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।